कमलनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी हंगामे के रूप में सामने आई। इस दौरान देखते ही देखते कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ पड़े। गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब कांग्रेस नेता गोविंद गोयल ने अपने भाषण में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव के कार्यकाल पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। तभी यादव गुट के कांग्रेसी आपस में भिड़ गए और गोयल के बयान पर अपना रोष प्रकट करना शुरू कर दिया। इस दौरान गोयल के समर्थक भी सामने आ गए। दरअसल इंदौर कांग्रेस कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में शामिल होने भोपाल से कांग्रेस नेता गोविंद गोयल भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने अरुण यादव के कार्यकाल पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। जिसको लेकर कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। यादव समर्थकों ने समारोह में हंगामा मचाया और जमकर नारेबाजी की। इतने पर भी कांग्रेसी नहीं रुके और आपस में भिड़ गए। यादव समर्थक गोयल के इस बयान पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं।